कुछ दिन पहले अरशद वारसी का एक ट्वीट आया। ट्वीट पर उन्होंने बताया कि जो भी आप न्यूज और मीडिया में सुने उस पर भरोसा ना करें। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों को स्टॉक मार्केट के बारे में एक भी नॉलेज नहीं है। हमने किसी की एडवाइस ली और शारदा में इन्वेस्ट किया। बाकियों की तरह हमारा भी मेहनत का कमाया हुआ पैसा डूब गया। ये अपडेट जान के आप सभी के मन में चल रहा होगा कि आखिर ये शारदा है क्या और पैसे डूबने का पूरा मामला क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला है, जिस ऑर्डर में अरशद वारसी पे ये आरोप लगा है कि अरशद वारसी और उनकी पत्नी ने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके खूब पैसे कमाए। आखिर कितना? तो उन्होंने 29 लाख रुपीस कमाए, उनकी पत्नी ने 37 लाख रुपीस कमाए और उनके भाई ने 9 लाख रुपीस कमाए। तो टोटल कुल मिला के 70 लाख से ज्यादा अमाउंट उन्होंने 2 से 3 महीने में कमाया है और इसीलिए उन्हें स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया है। देखा जाए तो एक तरफ अरशद वारसी ट्वीट करके कह रहे हैं कि मेरा सारा पैसा डूब गया और वहीं दूसरी तरफ सेबी कह रही है कि इन्होंने खूब पैसा कमा लिया और इन्हें अब बैन किया जाता है क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, इन्होंने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके पैसे बनाए हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये शार टीवी, आस्था टीवी के साथ साथ साधना टीवी को भी जरूर देखा होगा। दरअसल साधना ब्रॉडकास्ट एक कंपनी है जो कि मीडिया रिलेटेड बिजनेस करती है, जैसे कि रिलीजियस प्रोग्राम, प्रवचन दिखाना, ऐसी जो भी चीजें आपको साधना टीवी में देखने को मिलेंगी ये सारे प्रोग्राम साधना ब्रॉडकास्ट द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि साधना ब्रॉडकास्ट क्या है। आइए अब जानते हैं कि ये पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है और यह जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप में से बहुत लोगों ने स्क्विड गेम्स नामक टीवी सीरीज को जरूर देखा होगा, कुछ लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा क्योंकि ये कम समय में बहुत ज्यादा फेमस हुई। तो ऐसे में कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना पंप एंड डंप स्कीम की मदद से स्क्विड गेम्स का इस्तेमाल करके पैसे बनाए जाए। अब इन लोगों ने सोचा कि स्क्विड गेम्स तो ऑलरेडी बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत पॉपुलर चल रहा है, तो अनुमान ये है कि हो सकता है ये क्रिप्टो करेंसी भी बहुत ज्यादा चल जाएगी। तो कुछ लोगों ने बिना अपना नाम बताए स्क्विड गेम्स नाम की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी और साथ ही इन्होंने कुछ लोगों को बताया कि जो लोग इस क्रिप्टो करेंसी को खेल लेंगे उन लोगों को स्क्विड गेम्स का एक वर्चुअल गेम खेलने को मिलेगा जो कि स्क्विड गेम्स सीरीज की तरह ही होगा और इन वर्चुअल गेम्स में जो ही जीतेगा उन्हें बड़े बड़े इनाम मिलेंगे। और यह न्यूज और उनका अप्रोच काफी अच्छा था, अपीलिंग था, तो यंगस्टर ने सोचा क्यों ना इस पे इन्वेस्ट किया जाए और गेम खेल के पैसे कमाए जाए। तो ऐसे में डेवलपर्स ने सोचा कि क्यों ना इस क्रिप्टो करेंसी की मार्केटिंग करने से पहले बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी खुद ही खरीद के रख लेते हैं। तो उन्होंने वैसा ही किया, इन्होंने ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी खुद ही खरीद के रख ली और फिर बाद में धीरे धीरे मार्केट करना शुरू किया और जल्द ही इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सबसे हैरान की बात तो ये है कि इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू सिर्फ 2 हफ्ते में 1,53,00,000% बढ़ गई थी। फिर इसके बाद जो हुआ वो अलग ही था। जिन लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदा हुआ था वो इसको बेचना चाह रहे थे मगर बेच नहीं पा रहे थे। मान लो मैंने किसी चीज को 5 रुपए में खरीदा और अब उसकी वैल्यू 5 करोड़ हो चुकी है तो मैं उस चीज को बेच दूंगा, है ना। तो ऐसे में उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर वो इस क्रिप्टो करेंसी को क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो ऐसे में उन्हें पता चला कि वो इस क्रिप्टो करेंसी को तभी बेच पाएंगे जब उनके पास कुछ मार्बल्स होंगे और वो मार्बल्स उन्हें वर्चुअल गेम को खेल के जीतने होंगे। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि चलो वर्चुअल गेम खेलते हैं और प्राइस जीतते हैं। लेकिन जब वो वर्चुअल गेम खेलने गए तो उन्हें पता चला कि अरे यहाँ पे तो कोई वर्चुअल गेम है ही नहीं, तो अगर वर्चुअल गेम्स है ही नहीं तो मार्बल्स मिलेंगे ही नहीं और अगर मार्बल्स नहीं मिलेंगे तो क्रिप्टो करेंसी हम बेच नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जितने भी लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदा वो पूरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन जब यह प्राइस पीक पर चली गई थी उसी वक्त इन डेवलपर्स ने जो क्रिप्टो करेंसी अपने पास खरीद के रखी थी उनको अच्छे दामों पर बेच दिया था और सारा प्रॉफिट बना लिया। तो इस तरह से कुछ डेवलपर्स ने एक पंप एंड डंप स्कीम चलाकर खूब पैसा बनाया। तो यह थी क्रिप्टो की बात। इसी तरह की स्कीम्स स्टॉक मार्केट में भी चलती हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह पंप एंड डंप स्कीम समझ में आ गई होगी। यहाँ पे पहले शेयर्स को पंप किया जाता है फिर हाई प्राइसेस पे डंप करके वहाँ से एग्जिट ले लिया जाता है। पंप एंड डंप स्कीम को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब कंटिन्यू करते हैं अपने अरशद वारसी का केस और यूट्यूब की तरफ। तो बात ऐसी है कि जुलाई 2022 के करीब यूट्यूब में लोगों को बहुत सारे एड्स आने लगे, जिस एड में एक आदमी बिना अपना चेहरा दिखाए लोगों को बता रहा था कि यह साधना ब्रॉडकास्ट नाम की एक कंपनी है जिसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है US की एक कंपनी से। यह कॉन्ट्रैक्ट 1100 करोड़ का है। उस एड में यह भी बताया गया कि अभी तक यह कंपनी सिर्फ टीवी प्रोडक्शन में थी लेकिन अब मूवी प्रोडक्शन भी हो रहा है और 4 फिल्म की कॉन्ट्रैक्ट डील एकदम डन है। ऐसे में आप इस शेयर को खरीद लीजिए, इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो जुलाई 2022 जब इस कंपनी का एड आने लगा इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस करीब 10 रुपए थी। जुलाई 2022 में ये एड चलने से ठीक 1 महीने पहले इस कंपनी ने एक अजीब चीज की थी, उन्होंने अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया था। जैसे कि उनके कंपनी के एक शेयर की प्राइस 100 रुपए चल रही थी तो उन्होंने उस शेयर को 10 में डिवाइड कर दिया, यानी अब एक शेयर 10 रुपए का हो गया था और ऐसे उन्होंने 10 शेयर निकाल दिए। इस वजह से जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स थे उनके लिए यह बहुत एक अट्रैक्टिव प्राइस हो गई, क्योंकि जो भी शेयर मार्केट में नए लोग आते हैं उन्हें छोटी मोटी कीमत के शेयर कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट करते हैं और वैसे ही नए नए ट्रेडर्स उनके इस जाल में फंस गए और
फिर इसके बाद द एडवाइजर और मनी वाइजर ये दोनों यूट्यूब चैनल के जरिए एड चलाए गए और लगभग 1 करोड़ रुपए के यूट्यूब से एड चलाए गए और धीरे धीरे कई सारे लोग इसमें फंसने लगे और जो शेयर प्राइस 10 रुपए की थी वो ये लोग पंप करके 30 रुपए के आसपास ले गए और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने अपने शेयर्स को अगस्त और सितंबर महीने में ऑफलोड करना शुरू कर दिया यानी बेचना शुरू कर दिया। इसके कुछ महीने बाद इन्वेस्टर्स को पता चला कि कोई भी यूएस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है और यह जो भी प्लान है यह पूरा प्लान फेक है। उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट होने लगी और यह स्टॉक अभी लगभग 5 रुपए का है। लेकिन अब सवाल आता है कि यह पूरा मामला बाहर आया तो आया कैसे और दूसरी चीज कि इसमें अरशद वारसी का क्या लेना देना है। तो लेना देना है हम उसकी भी बात करेंगे। हुआ ये कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को एड्स दिखने लगे जिसमें से कुछ लोगों ने सेबी के पास कंप्लेंट की। फिर कंप्लेंट के बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो शुरुआत में उन्हें काफी सारी चीजें पता चलने लगी और फिर सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेजी से बढ़ाया और कुछ दिन पहले उसकी एक रिपोर्ट पब्लिक के सामने लेके आए। सेबी का यह मानना है कि साधना का जो भी यह मामला है इसमें कंपनी के जो भी प्रमोटर्स हैं वो भी इस पूरे स्कैम में शामिल हैं। और जहां तक अरशद वारसी का सवाल है तो उन्होंने शेयर के पंप होने से पहले जितने भी शेयर्स खरीद लिए थे वो सारे शेयर्स उन्होंने 3 अगस्त 2022 को बेच दिया था और उनके पास लगभग 304,366 शेयर्स थे और इनकी पत्नी ने भी 5 अगस्त को अपने सारे शेयर्स बेच दिए। इसके बाद अरशद वारसी की पत्नी ने 2 सितंबर 2022 को गौरव गुप्ता नाम के एक आदमी से शेयर्स खरीद लिए और फिर ठीक उसी दिन अरशद वारसी ने भी गौरव गुप्ता नाम के इस आदमी से लगभग 2 लाख शेयर्स खरीद लिए। अब यह गौरव गुप्ता कौन है? गौरव गुप्ता साधना के प्रमोटर्स में से एक हैं और इस पूरे स्कीम से गौरव गुप्ता ने लगभग 7 करोड़ रुपए कमाए हैं और अरशद वारसी उनकी वाइफ और उनके भाई ने मिलकर लगभग 70 लाख का प्रॉफिट कमाया है। ये कहता है सेबी का सारा डेटा और उनकी रिपोर्ट। तो अब सेबी ने इन सब के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया है। कुछ लोगों के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं और ये भी बोला गया है कि जो भी आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया है वो सारा प्रॉफिट आपको वापस करना होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि उन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का क्या जिन लोगों ने इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया और अपना सारा पैसा गवा दिया? तो इन्हें तो अब इनका पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर डायरेक्ट बात करूं तो साधना ब्रॉडकास्ट और शॉर्ट लाइन ब्रॉडकास्ट जो कि एक और एक कंपनी है वहां पर भी इसी तरह से यूट्यूब वीडियोस प्रमोट करके शेयर्स को पंप किया गया। लेकिन घूम फिर के सवाल छोटे छोटे ट्रेडर्स पर ही आता है जिन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया है। आखिर अरशद वारसी और बाकी लोगों ने पैसा कैसे कमाया? इन्होंने ये पैसा इन छोटे छोटे ट्रेडर्स से ही कमाया है जिन्होंने अपना कहीं 1,000 का लॉस किया, 5,000 का लॉस किया, 10,000 का लॉस किया। इन्हीं गरीब छोटे छोटे ट्रेडर्स के पैसे से इन्होंने अपना मुनाफा बनाया है। वहीं दूसरी तरफ अरशद वारसी का कहना है कि मुझे तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमने किसी की एडवाइस ली और हमारा पूरा पैसा डूब गया, जबकि सेबी की रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। दोस्तों यह तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इसका अंत कहां पे है और आखिर अरशद वारसी का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है। अगर इस पूरे वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर